हेलो नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं BFM जिस्ता मीडिया। भाई इन दिनों आरा का नाम बहुत फेमस है और YouTube चैनल पर तो आरा नाम सर्च करो फटाक से आ जाता है। भले विकास के नाम पे नहीं आता हो लेकिन एक चीज़ के नाम पे ज़रूर आता है। यहीं खातिर आरा गेलू, कहें खातिर आरा गेलू, यहीं खातिर आरा आइले, इतने गाने क्या ही बताएं। अब पहले तो खेसारी लाल यादव ने निकाला, फिर अक्षरा सिंह ने निकाला, प्रमोद प्रेमी ने निकाला। तो भाई अक्षरा सिंह ने जब गाना निकाल दिया तो पवन सिंह क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी कह दिया भाई हम भी यहीं खातिर आ रहा ही ले। सब एक से एक गाने निकालते जा रहे हैं, एक ही सेम टाइटल, सब कुछ सेम है, बस सबके गाने के बोल अलग हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करके किए हैं। लेकिन वैसे आपको बता दे, अक्षरा सिंह का जो गाना था वो काफ़ी अच्छा भी था, उसका म्यूजिक अच्छा था, शूट अच्छा था। खेसारी लाल का भी गाना अच्छा था, लेकिन पवन सिंह का गाना अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, पर गाने के बोल सबसे बेकार हैं। उन्हें डबल मीनिंग आपको समझ में आएगी, जब वो गाने को बोल रहे हैं ना तो एक डबल मीनिंग साउंड होती है, दिमाग में डबल मीनिंग आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कंपटीशन करना है एक दूसरे से तो भैया कंपटीशन लेवल से करिए ना। आवाज़ तो ठीक है भाई, पवन सिंह का बहुत अच्छा आवाज़ है, बहुत अच्छी पॉपुलर है, फैन फॉलोइंग अच्छी है, अच्छे वीडियोस करते हैं, अच्छे फिल्में करते हैं। तो ये गाना यही खातिर आरा गई ले क्योंकि अक्षरा सिंह ने निकाला था, तो पवन सिंह का पीछे क्यों रहे? क्योंकि इन दोनों का काफ़ी झगड़ा होता रहता है वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक दूसरे को मतलब ऐसा चर्चाओं में बने रहते हैं, खबरें आती रहती है, इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, अगर ये फिल्म निकाले तो इन्हें। और वैसे आपको बता दें इस समय पवन सिंह का और खेसारी जी का भी प्रॉब्लम चल ही रहा है, एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हैं नंबर वन बनने के लिए। लगता है इसीलिए यहीं खातिर आरा गई फिर से इन्होंने शूट किया। इन्होंने गाने को शूट नहीं किया पब्लिकली, म्यूजिक स्टूडियो में ही गाना गा के वहीं शूट करके अपलोड कर दिया है। और वैसे आपको बता दें गाना काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ में जा रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि हमारा गाना हिट हो गया। बट एक बात हम बता दें, ये गाने के जो बोल हैं वो गाने के बोल डबल मीनिंग वाले हैं। तो भाई आप कॉम्पीट कितना भी कर लें लेकिन आप हार गए, आप वो स्टैंडर्ड नहीं दे पा रहे हैं जो अक्षरा ने, चलो ठीक है कॉपी करके गाया काहे खातिर आला गईली, जवाब में यहीं खातिर आ रहे गईली इसलिए गाया उनके, क्योंकि बोल अच्छे थे, उनकी शूट अच्छी थी, डांस अच्छे थे, सारा चीज़ अच्छा था। लेकिन पवन सिंह का कैसा है, सिर्फ आवाज़ अच्छी है पर गाने के बोल एकदम से बेकार हैं और शूट तो कहीं हुआ नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि गानों के कंपटीशन के लिए गाने को भद्दे तरीके से गाना, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखते रहिए BFM जिस्ता मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।